हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। तो आज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं हमारे टॉप 10 कंठफेस के क्वेश्चंस। और ये सभी कंठफेस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ही। इसी के साथ अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के टॉप 10 कंठफेस के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के सुरेश कुमार को किस ई कॉमर्स कंपनी ने CTO नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के सुरेश कुमार को वॉलमार्ट ने नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO नियुक्त किया है। वह वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन को रिपोर्ट करेंगे और वह अभी गूगल में वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर रह चुके हैं वॉलमार्ट के सुरेश कुमार, लेकिन अब इनका पद भरने वाला है और वे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के हैं, इसलिए हमारे एग्जाम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि सुरेश कुमार वॉलमार्ट के CTO बन रहे हैं। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का कौन सा शहर IT कंपनी के लिए विश्व के 5 सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल है? तो हमारे भारत का गुरुग्राम शहर IT कंपनियों के लिए विश्व के 5 सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल हैं। इस 5 शहरों में बीजिंग, बेंगलुरु, शंघाई और सिंगापुर भी शामिल हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा कि हमारे देश के गुरुग्राम और बेंगलुरु जो हैं IT कंपनियों के लिए विश्व के 5 सबसे पसंदीदा शहरों में शामिल किए गए हैं। अब तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूट्यूब चैनल 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया है? तो ये बना है हमारे भारत का ही टी सीरीज। तो भारत की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज यूट्यूब का चैनल 100 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया है। और टी सीरीज ने प्यूडीपाई नाम के स्वीडन के चैनल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। तो हमारे देश का टी सीरीज जो है वह स्वीडन के जो प्यूडीपाई चैनल था उसके बीच में काफ़ी लंबे इंटरेस्टिंग वॉर के बाद 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करने वाला विश्व का पहला चैनल बन गया है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि ये टी सीरीज है। वैसे एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को किस राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विमानतल के लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट मंजूर किया है। तो मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा हवाई अड्डा? देवी अहिल्या हवाई अड्डा पहला राज्य का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अब हमारा 5वां प्रश्न है, बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने हाल ही में कौन सी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने हाल ही में 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने उनके साथ रणेंद्र प्रताप स्वेन और अरुण कुमार साहू को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो आप देख सकते हैं कि बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में अपने पूरे 20 साल कम्प्लीट कर लिए हैं और ये अभी तक के काफ़ी इंटरेस्टिंग और उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले मुख्यमंत्री के पहले मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 5वीं बार इलेक्शन में काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक हैं जो कि एक बार फिर से बनने जा रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अब 6ठा प्रश्न है, निम्न में से किसने EN-32 विमान को जेट्रोफा बायोफ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में EN-32 विमान को जेट्रोफा बायोफ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले CSIR-IIP प्रयोगशाला देहरादून द्वारा वर्ष 2013 में पहली बार स्वदेशी बायोजेट ईंधन का उत्पादन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र
उदंत मार्तदंड का प्रकाशन व संपादन आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किए थे हमारे देश में न्यूज़पेपर? पंडित युगल शुक्ला ने। कब? 1826 को, 30 मई को। और पहला न्यूज़पेपर कौन सा था हमारे इंडिया का? उदंत मार्तदंड। तो आज जो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को, वह भी कहीं ना कहीं पंडित युगल शुक्ल ने ही हमारे देश में शुरू किया था। तो आप जरूर याद रखिएगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब अपने आठवें प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए किस देश को एशिया कप की मेजबानी दी गई है? तो पाकिस्तान को वर्ष 2020 में होने वाले क्रिकेट के एशिया कप की मेजबानी दी गई है। ये टूर्नामेंट अगले वर्ष सितंबर महीने में T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा और ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो एशिया के सभी देशों में वर्ष 2020 में मेजबानी करने वाला है पाकिस्तान एशिया कप की, और ये काफ़ी समय बाद पाकिस्तान को मिल रही है मेजबानी। लेकिन हो सकता है कि ये सऊदी अरेबिया के मैदान में कराया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कमेटी ये उसी समय फैसला लेगी जब ये होंगे कि ये कहाँ पे कराए जाने हैं और उस समय की स्थिति कैसी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार 7 और 8 जून को किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार 7 और 8 जून को मालदीव की यात्रा पर जाएंगे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव में संसद को संबोधित करने का न्योता दिया है। अब 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्यावरण मंत्री यो बिन यिन ने अमेरिकी, ब्रिटेन समेत कई देशों को 3000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा वापस भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऐसा मलेशिया के पर्यावरण मंत्री यो बिन के द्वारा किया गया है, जिन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ऐसे अन्य देशों से आने वाले 3000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा वापस भेजने की घोषणा की है, जिसमें ऐसा प्लास्टिक मटेरियल है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं वह डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने देश का कूड़ा कचरा जो होता है उसे रिसाइकल करने के लिए भेज देती हैं। मोस्टली प्लास्टिक भेजा जाता है, लेकिन जब डेवलपमेंट कंट्रीज़ अभी ऑब्जर्व करने लगी हैं कि उनके खुद के ही देश में इतना कूड़ा है, इतनी प्लास्टिक है कि वे उन्हें ही रिसाइकल कर ले तो बहुत है, इसलिए अभी मलेशिया के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि उन्होंने सभी देश से जो भी आया था कूड़ा उसे सभी को वापस कर दिया गया है। भारत भी इसमें कई बार अच्छे कदम उठाना चाहता है और आगे भी उठा सकता है, और चाइना ने भी अब अपने देश में कूड़ा कचरा दूसरे देशों से आने वाला का बंद कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के top 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।